हेलो फ्रेंड्स, प्रसाद एकेडमी में आपको स्वागत है। हम इस वीडियो में देखेंगे जो आरपीएफ का एसआई का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है तो उसका कट ऑफ कितना रह सकती है फिजिकल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कट ऑफ बताने से पहले आपको बता देती हूँ जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पैटर्न कैसा था। तो पैटर्न आप देखें तो जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था अभी, ठीक है, उसका आंसर की भी आ गया है। तो एज कंपेरिजन टू ग्रुप डी आरपीएफ का एग्ज़ाम थोड़ा इजी था, ठीक है। तो कट ऑफ जनरल के लिए मैं बता देती हूँ, फॉर फिजिकल जनरल का कट ऑफ रह सकता है 70 से लेकर 75 के बीच में, ठीक है। जिसका भी अभी 65 प्लस रह रहा है, ठीक है, वो फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मैं जनरल के लिए ये कट ऑफ बता रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं ओबीसी का। ओबीसी का कट ऑफ कितना रह सकता है? ओबीसी का कट ऑफ रह सकता है 65 से लेकर 70 के बीच में, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अनुमान लगाया गया है, ठीक है। तो एससी का देखते हैं, एससी का कट ऑफ रह सकता है 60 से लेकर 65 के बीच में। जिसका भी एससी कैंडिडेट हो 55 प्लस रह रहा है, वो फिजिकल के लिए अभी से तैयारी करें, ठीक है। एसटी का देख लेते हैं, एसटी का 58 से लेकर 62 के बीच में कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। तो थैंक यू।